नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप घर बैठे सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी मेंटेनेंस वाला, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे बैंक जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि तीनों में से बेस्ट बैंक कौन सा है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और ICICI बैंक, तीनों बैंकों में से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या क्या इसमें चार्जेस होते हैं, सब कुछ आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि तीनों में से बेस्ट बैंक कौन सा है जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं तीनों बैंकों में आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के कौन सा आपको टाइप का अकाउंट ओपन करना है जिससे आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक में बात करें तो इसमें आपको इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलता है जिसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलते हैं जिसमें दो वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से आप 25,000 रुपये वाला मेंटेन वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर 10,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ICICI बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के कई सारे टाइप है, जैसे कि ICICI माइंड सेविंग अकाउंट है, ICICI इंस्टा सेफ सेविंग अकाउंट है, ICICI 3-in-1 सेविंग अकाउंट है, तो इसमें से कोई भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मैं तीनों बैंकों की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंडसइंड बैंक में आपको अप टू 4.5% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। IDFC फर्स्ट बैंक में बात करें तो इसमें अप टू 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो डिपेंड करता है आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग। ICICI बैंक में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सभी बैंकों में जो भी परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है वो सालाना होता है, यानी कि एनुअल होता है, लेकिन कुछ बैंकों में आपको मंथली प्रोवाइड हो जाता है, कुछ बैंक में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। दोस्तों, तीनों बैंकों की डेबिट कार्ड की बात करें तो IndusDelight सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड बारे में बात करें तो इसमें दो डेबिट कार्ड मिलता है, एक 25,000 रुपये वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें अलग डेबिट कार्ड मिलता है, 10,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें अलग डेबिट कार्ड मिलता है। ICICI बैंक में भी सेम उसी तरह से है, अगर आप ICICI बैंक का माइंड सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको माइंड डेबिट कार्ड या फिर माइंड प्लस डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, और अगर आप कोई और सेविंग अकाउंट के टाइप चूज करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल रेगुलर डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। तीनों बैंकों की अगर डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो IndusDelight सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड जिसका एनुअल चार्जेस होता है 500 रुपये प्लस में 18% GST। इस डेबिट कार्ड के कई सारे बेनिफिट भी हैं, इसमें आपको कई तरह के कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है जो कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है उसका एनुअल चार्जेस होता है 100 रुपीज़, आप दोनों सेविंग अकाउंट के वेरियंट में कोई भी चूज कर सकते हैं, 10,000 मेंटेनेंस वाला या फिर 25,000 रुपये मेंटेनेंस वाला, कोई सा भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपका जो एनुअल चार्जेस है वो 100 रुपये ही लगने वाला है। ICICI बैंक का डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इसमें जो है वो अलग अलग सेविंग अकाउंट के टाइप के अनुसार आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस भी है। जैसे कि अगर माइंड सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको जो माइंड प्लस डेबिट कार्ड मिलता है और माइंड का डेबिट कार्ड मिलता है, तो माइंड का अगर कोई भी आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो नॉर्मल चार्जेस होता है। अब नॉर्मल चार्जेस क्या है, नॉर्मल 199 रुपये प्लस में GST आपको चार्ज देना होगा। वहीं पे आपको माइंड प्लस डेबिट कार्ड मिलता है तो आपको 500 रुपये प्लस में GST चार्ज देना होगा। दोस्तों, तीनों ही बैंकों के डेबिट कार्ड की विड्रॉल लिमिट की बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इंडसइंड बैंक, जिसके प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड का जो विड्रॉल लिमिट है डेली, वो आपको 1,00,000 रुपये डेली कैश विड्रॉ मिल जाता है, डेली आप 1,00,000 रुपये ATM से निकाल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड का विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें दो वेरिएंट मिलता है, एक 25,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट और एक 10,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट। तो 25,000 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस में उसमें आपको 2,00,000 रुपये डेली विड्रॉल लिमिट मिलता है, और जो 10,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट इसमें आपको 1,00,000 रुपये डेली विड्रॉल लिमिट मिलता है। उसी तरह से ICICI बैंक के जो डेबिट कार्ड है उसमें आपको 50,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक का डेली विड्रॉ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया और आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिला है। तो दोस्तों, आप तीनों ही बैंकों के कुछ हिडन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडसइंड बैंक का जो IndusDelight सेविंग अकाउंट है उसको अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना होगा। जो भी आपका फंडिंग होगा, पहले डिपॉजिट आप जो भी करेंगे उस पैसे को आप अकाउंट ओपन होने के बाद निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इसमें आपको पहले फंडिंग करनी होगी। IDFC फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको 100 रुपये एनुअल चार्जेस देने होते हैं इसके डेबिट कार्ड पे, जो एक सबसे अच्छा बात है। और ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक के माइंड सेविंग अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का भी फैसिलिटी मिल जाता है। तो अगर आप इनिशियल फंडिंग करते हैं तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट का भी आप फायदा उठा सकते हैं ICICI बैंक में। तीनों बैंकों में से बेस्ट बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की भी फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस नहीं भी करेंगे तो भी आपका कोई भी पैसा आपको नॉन मेंटेनेंस फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। इंडसइंड बैंक में आपको पहले इनिशियल फंडिंग करना होगा, तब जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि तीनों बैंकों में से क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, चार्जेस वगैरह। और जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपके घर पे एक वेलकम किट सेंड किया जाएगा 7 दिनों के बाद, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।